नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम भानु है और आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हम आए हुए हैं दरभंगा स्टेशन के पास, देख सकते हैं ये एक हराई पोखर है, इसके समीप ही एक मंदिर है जो कि संकट मोचन हनुमान मंदिर है। ये काफ़ी हिडन टेम्पल में से एक है और काफ़ी अंदर गए थे तो काफ़ी अच्छा भी दिखने में लग रहा है। तो चलिए आज आपको इस ब्लॉग में हम इस मंदिर को विजिट करेंगे और आप लोग को भी लिए चलेंगे और दिखाएंगे अंदर में। छोटे छोटे भी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर इंक्लूड करके एक मंदिर बना हुआ है। हालांकि ये जो मेन मंदिर है हनुमान जी के ऊपर प्रचलित है। तो चलिए आज हम आपको इस ब्लॉग में वो दिखाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अभी आप लोग का बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है तो थोड़ा वो सपोर्ट भी कर दीजिए। तो चलिए बजरंगबली का नाम लेते हुए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो चलिए अभी चल रहे हैं मंदिर के अंदर और इस मंदिर के दक्षिण दिशा में आपको CM लॉ कॉलेज है और यहाँ पर संस्कृत देख सकते हैं, यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय भी है जहाँ पे निःशुल्क आपको पढ़ाई कराया जाता है। विद्यानंद मिथिला संस्कृत महाविद्यालय है। ये थोड़ा जर्जर स्थिति हो गया, तो ये थोड़ा सही हो जाता तो काफ़ी अच्छा लगता। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं प्रसाद है, यहाँ से आपको प्रसाद नारियल का लड्डू मिल जाएगा और मोतीचूर का लड्डू जो कि प्रिय हनुमान जी का प्रिय लड्डू है वो, और ये मोगरा का अगरबत्ती और पीपा सिंदूर भी मिल जाएगा। बाकी भाई क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद कुमार। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको एक दुर्गा माँ का मंदिर दिखेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो अभी शाम का समय हुआ है तो सभी साफ सफाई चल रहा है। बाकी ये दुर्गा माँ का मंदिर है, देख सकते हैं। दुर्गा पूजा के वक्त में काफी भीड़ भी रहता है यहाँ पे। अब लिए चलते हैं आपको मंदिर के ऊपर जहाँ पर बजरंगबली का मंदिर है। जय श्री राम। तो हमारे साथ में अनीस है और स्ट्रीटोग्राफी, हालांकि इसका नाम क्या नाम है भाई? शशांक है, साथ में कम रहता है इस वजह से इसका नाम थोड़ा हमको याद नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं। जय श्री राम। देख सकते हैं ये एक मनोकामना मंदिर है और शाम का वक्त है तो थोड़ा काफी यहाँ के लोकल्स लोग जो हैं वो लगाए हुए हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग आकर के हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ रहे हैं। बाकी देखिए तो ये जो मंदिर है, अभी हम बात किए हैं पंडित जी से तो 13वीं शताब्दी में बना हुआ ये मंदिर है। बाकी काफ़ी पुराना मंदिर है और इसको अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा है तो हम सोचे कि आकर के एक्सप्लोर करें। वैसे बहुत लोग अगर कोई किए भी होंगे तो मुझे ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिला है, तो हम सोचे कि आप लोग को भी इस मंदिर के बारे में बताया जाए। जो हनुमान मंदिर वैसे भी ये लहरिया सराय में एक है और दरभंगा में एक बहुत है, तो मनोकामना मंदिर भी वहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी के पास में, तो उसके और दूसरा तीसरा यहाँ पर है जो कि काफ़ी धीरे धीरे अभी प्रचलित होता जा रहा है। हम तो बोलेंगे कि जो लोग नहीं हैं तो यहाँ पर आकर के एक बार ज़रूर विज़िट करिए और ये भी एक मनोकामना ही मंदिर है, तो जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आइए। बाकी यहाँ पर और भी छोटा छोटा है भगवान जी का मंदिर है तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस साइड में आपको राम जी का मूर्ति दिखेगा, देख सकते हैं राम जी का मूर्ति है। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि दुर्गा माँ का मूर्ति है, प्रतिमा है। बाकी यहाँ पर शनि भगवान का मूर्ति है, देख सकते हैं। और इस साइड में है रामेश्वर महादेव
तो ये जो है रामेश्वर प्रसाद साह जो कि आपको डीएमसी तथा धर्म उनकी पत्नी शोभा देवी के द्वारा 2011 में बना था। ओके चलिए इसके अंदर चलते हैं। बना नहीं था, जीर्णोद्धार किया गया। अच्छा जीर्णोद्धार किया गया था, सॉरी। देख सकते हैं काफी बढ़िया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इस साइड आइए तो परम पूज्य पंडित विद्यानंद ठाकुर, इन्हीं के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। देख सकते हैं इनके चरण पादुका। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, परम पूज्य पंडित विद्यानंद ठाकुर उर्फ लाल बाबू मठाधीश के पुण्य स्मृति में स्मारक मंदिर निर्माण हनुपुत्र श्री हरि नारायण ठाकुर के सौजन्य से ये बनाया गया है। बाकी इस साइड में आपको ड्रामा डिवीज़न है जो कि वहाँ पर लोग मतलब थिएटर आर्टिस्ट लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी पहले हम भी करते थे तो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इसका व्लॉग शूट नहीं किए थे तो आज व्लॉग शूट किए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पर आकर के। और शांतिपूर्ण जगह है, अगर जिनको शांति की ज़रूरत है, मन अगर अशांत है, शांति चाहिए, वैसे तो मंदिर में आकर आपको मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर आकर के थोड़े देर बैठते हैं ना तो काफ़ी सुकून भरा पल आता है। यहाँ की जो वाइब्स है ना वो आपको बहुत सुकून देती है। क्यों? इसका रीज़न एकमात्र यही है कि यहाँ पर पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है, और देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ पौधा दिखाते हैं आपको। देखिए पेड़ पौधा इतना ज़्यादा है ना कि यहाँ पर इतना अच्छा लगता है, शाम के समय में या फिर सुबह के समय में आप आएंगे तो ये पेड़ पे चिड़िया बैठी रहती है और काफ़ी अच्छा लगता है, शांति लगता है। देखिए देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। बाकी इस मंदिर को अभी उतना प्रचलित नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ही लोग आते हैं। शायद हम जैसे क्रिएटर्स लोग इस पर वीडियो बनाएं तो लोगों तक पहुँचेगा और लोग यहाँ पर आएंगे और उन लोगों को भी पता चलेगा, तो तभी तो आएंगे ना यहाँ पर। तो आप लोग भी ज़रूर आइए और यहाँ पर आकर के थोड़ा देर बैठिए, भगवान के समक्ष बैठिए और अपनी मनोकामनाएँ को रखिए, ज़रूर पूर्ण होगा। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग, इन्फॉर्मेशन व्लॉग, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो सपोर्ट कीजिएगा और चैनल वीडियोस को लाइक करके कमेंट कीजिए, अपना सुझाव बताइए कैसा वीडियो जा रहा है और कैसा और क्या सुधार करना चाहिए वो सारा कुछ बताइए। बाकी चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।